सोमवार को मिल्टन पब्लिक स्कूल में नोबेल पुरस्कार विजेता व प्रकाश एविडेंस के खोजकर्ता सीवी रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बाल वैज्ञानिक का भी चुनाव किया गया, जिसने कई प्रतियोगी चरणों से गुजर कर इस खिताब को हासिल किया। सोमवार को नोबेल पुरस्कार विजेता व प्रकाश एविडेंस के खोजकर्ता सीवी रमन की याद में मिल्टन पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय की संस्थापिका चित्राराज, एमडी डॉक्टर राहुल राज व प्रधानाचार्य डॉक्टर प्राची राज तथा मनोज कुमार, डॉक्टर हेमंत कुलश्रेष्ठ और सुजन वर्निस व समस्त विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति में विद्यालय के चेयरपर्सन व शिक्षा मनीषी स्वर्गीय राजकुमार कुलश्रेष्ठ तथा मां सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पण कर किया गया। इस विज्ञान महोत्सव में कक्षा 2 से लेकर 11वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने बोर एटोमिक मॉडल, डीएनए मॉडल, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर, डिपेरिगेशन, एलिवेटेड एम्बुलेंस, एंटी सुसाइडियल फैन, हार्ट मॉडल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्पीकिंग रोबोट, COVID-19 स्टैटिक मॉडल, रूम हीटर वर्किंग मॉडल, सोलर सिटी स्टैटिक मॉडल तथा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाकर सभी आगंतुकों का दिल जीत लिया। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जो सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट के जरिए आज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में बनाया और अपने मिल्टन पब्लिक स्कूल की ओर से जो आज हम लोगों ने विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया है, बच्चों ने उम्मीद से अच्छा मॉडल में अपना प्रेजेंटेशन किया है, स्पेस साइंस का मेन यूज़ किया है, स्पेस सेंटर बनाया, आज का अट्रैक्शन रहा है जो हाइड्रोलिक क्रेन्स बनाई हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मॉडल्स जिनके बारे में जैसे आपका माने चलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर हो गया, ओजोन डिस्ट्रॉय हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मॉडल जो आज की तारीख में हम लोगों को ज़रूरत है। कोरोना भी हो चुका है, कोरोना के बारे में पूरा आरएनए के ऊपर डिस्क्रिप्शन बच्चों ने किया, डीएनए चेन को दिखाया है पूरा बना के, तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आम लोग नहीं जानते हैं, उनके परिवार के लोग नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद अभिभावकों को पता चला कि उनके बच्चों के अंदर कितना बड़ा वैज्ञानिक छुपा हुआ है। तो इसमें हमें सहयोग मिलेगा, आगे इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए अभिभावकों को पूरा सहयोग मिलेगा और आज काफ़ी तादाद में अभिभावक मौजूद हैं, तो बड़े हर्ष का विषय है, बहुत विकास हुआ बच्चों का। स्पेस सेंटर है, डीएनए मॉडल है, हाइड्रोलिक मशीन है और साथ ही साथ एक एंटी सुसाइडल फैन का भी एक मॉडल तैयार किया गया है कि कैसे इस फैन का आयोजन मतलब इस फैन के द्वारा अगर कोई सुसाइड के लिए अटेम्प्ट भी करता है तो वो स्प्रिंग के द्वारा वो फैन नीचे आ जाता है ताकि वो अटेम्प्ट उसका जो है वो नेगेटिव में जाए। आज के क्योंकि 2 साल से बच्चों के कोई मोटिवेशन और बहुत ही कोरोना की वजह से लाइफस्टाइल बहुत बोरिंग और बहुत ही उनकी थिंकिंग पावर बहुत ही ठप हो गई थी और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के जरिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं हो पा रही थी, तो अभी हमने बहुत ही शॉर्ट टर्म में 15 दिन के अंदर इन लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी मेहनत करके और टीचर्स की हेल्प के द्वारा हमने इस प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों ने बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से इसको आयोजन किया है और बहुत ही उत्साहित से इन लोगों ने यहाँ पर स्कूल में इस प्रदर्शनी के लिए मेहनत करी है। इसी क्रम में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लूकोज बॉटल अलार्म, ओजोन लेयर डिप्रिएशन, ह्यूमन आई, हाइड्रोलिक पावर, प्रदूषण, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि जैसे विषयों पर आधारित चार्ट बनाए। आगे की श्रृंखला में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कक्षा LKG के छात्र पृथ्वीराज ने सूरज, शिवांश ने ट्रैफिक लाइट, रिधिमा राज ने पेड़ बचाओ की फैंसी ड्रेस, युगराज ने ट्रैफिक लाइट, UKG की छात्र वेदिका विश्व ने रॉकेट, मान्या सिंह ने अर्थ, अनन्या ने वाटर ड्रॉप की फैंसी ड्रेस पहनकर सभी को इन सब के बारे में बताया और वायु प्रदूषण तथा वातावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया और कक्षा 2 से 11वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसे सभी ने बहुत सराहा। उनको पर्सनली उनसे इंटरेक्ट किया और उनके विचार जाने तो बहुत अच्छा लगा कि उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परमेंट काफ़ी अच्छी उससे डेवलप हुआ है और मेरी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद उन बच्चों के लिए और संस्था के सभी सम्मानित MD साहब, प्रिंसिपल साहब, उनके फाउंडिंग मेंबर्स जितने भी लोग हैं उनको साधुवाद और मेरी शुभकामनाएं कि वो आगे भी ऐसे आयोजन करते रहें। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो भी जितना भी हमें पॉसिबल है हम देते रहेंगे और हम चाहेंगे कि इसी तरह से अन्य विद्यालय भी इस साइंटिफिक टेम्परामेंट के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें और बच्चों को
इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहे। विज्ञान महोत्सव से बाल वैज्ञानिक पुरस्कार राशि शर्मा कक्षा सातवीं को मिला, जिसने कई प्रतियोगी चरणों से गुजर कर इस खिताब को प्राप्त किया, जिसको प्रथम पुरस्कार के रूप में विद्यालय की ओर से साइकिल प्रदान की गई और विभिन्न स्तरों पर चुने हुए मॉडलों से श्रेणी प्राप्त छात्रों को मुख्य अतिथि विद्यालय की संस्थापिका चित्रा राज, MD डॉक्टर राहुल राज व प्रधानाचार्य डॉक्टर प्राची राज, मनोज कुमार, डॉक्टर हेमंत कुलश्रेष्ठ और सुजन वर्निस ने विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया तथा सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर प्राची राज ने दिया और कहा कि हर बच्चे ने अपने ज्ञान विज्ञान व कौशल आधुनिक तकनीक के आधार पर मॉडल तैयार किए हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय है। इस अवसर पर सभी विद्यालय स्टाफ उपस्थित